हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब चल रही थी, इसलिए मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। एनीवेज गाइस, आज मैं आपके लिए आया हूँ फोटोग्राफी की एक क्रेजी टिप्स, जिसमें अभी हम करेंगे आज सनसेट में प्रोडक्ट शूट। तो देखिए आप सीन्स। मैं शूट कर रहा हूँ स्पीड में 1/30 शटर स्पीड और फोकल लेंथ 6/3 रखा पड़ा है और ISO 100, जिसमें भी आपको दिख पा रहा होगा प्रोडक्ट मेरा बिल्कुल दिख नहीं पा रहा। ये रहा मेरा प्रोडक्ट और यहाँ पे बिल्कुल ही मान लो कि लेंस जितना वो रहता है उतना ही प्रॉब्लम रहती है। ISO से आप एक्सपोजर तो बढ़ा सकते हो, लेकिन ब्लर रहने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मतलब ग्रेन्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अभी एक्सपोजर बढ़ गया है, लेकिन ग्रेन्स आपको दिख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ISO मिल सकता है आपको, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ग्रेन्स के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो मैं तो ISO बस 100 ही रखता हूँ, मैक्स टू मैक्स 125 रख दिया हमने। फोकल लेंथ हमने 6.3 रखी, थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो। सो गाइस, इस सिनेरियो में हम शटर स्पीड के साथ खेलेंगे। शटर स्पीड क्या होती है वो मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बता देता हूँ। शटर स्पीड का बेसिकली रोल है कि कैमरे के अंदर कितनी ज़्यादा से ज़्यादा लाइट अंदर लेके आ सकता है। ये तब काम आता है जब आपके रूम में बहुत ही ज़्यादा कम रोशनी है, तब हम शटर स्पीड का इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में। ISO हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ISO से ग्रेन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो शटर स्पीड को हम जितनी ज़्यादा रखते हैं उतनी ज़्यादा लाइट अंदर आती है और उतनी ज़्यादा हमारी इमेज क्लियर दिखती है। तो वही हम इस सिनेरियो में करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब मैं चेक करके दिखाता हूँ, ये देखो तो अभी ये दिख पा रहा होगा बिल्कुल क्लियर और अच्छा विजिबिलिटी आ रही है। तो अब फटाफट हम शूट करते हैं। और ऐसे आपको सनसेट के समय पे शूट करना है, अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर चाहिए तो आप ISO से थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं, 200-400 तक मैक्स रोक सकते हैं। और अगर आपके पास ISO नहीं बढ़ाना चाहते तो आप शटर स्पीड से भी प्ले कर सकते हैं अच्छे से।